नमस्कार साथियों, चलो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर आपने देखो भी जो वीडियो जा रहे थे आपके पास, और उसके अंदर आपने गुलाम का नियम पढ़ लिया था और गुलाम के नियम के न्यूमेरिकल तक हो गए थे। देखो कि मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को ये चीज कि जो क्लासेस आपकी लग रही है ये वापस मैं करवाऊंगा नहीं, आपके रियली हो रहा है, क्योंकि हो सकता है वापस सितंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम रख दें। नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग कोरोना काल को देखते हुए दो प्रकार से एग्जाम करवाए जा सकते हैं। एक आपके दिसंबर में हो सकते हैं, जनवरी दिसंबर में, एक अप्रैल मार्च में होंगे। तो तीन तीन महीने के गैप के आधार पर अगर आपके एग्जाम होते हैं तो सिलेबस यहीं से आपको करना जरूरी होगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवी, एयरफोर्स, जेई नीट तीनों के अंदर इसका बहुत अच्छा लेवल पूछा जाता है। तो देखो, अब मैंने आपको बताया है कि पहले आपने आवेश के बारे में पढ़ा, आवेशों में गुणधर्म पढ़ लिए थे, उसके बाद गुलाम का नियम पढ़ाया था, गुलाम का नियम पूरा सोल्व करवा दिया, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हो गए। आपने देखा होगा कि गुलाम का नियम आपने पढ़ा था और आपने देखा था कि जब दो स्थिर आवेश है और दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आर बीच की डिस्टेंस है, क्यू वन क्यू टू दो आवेश है, ठीक है। अब आपने दो या दो से अधिक आवेश होते हैं तो उनके कारण लगने वाला बल भी आपने पढ़ा होगा, डेरिवेशन करा रखा है लास्ट के वीडियो में। आवेशों के प्रत्यारोपण का सिद्धांत, सिग्मा आई इक्वल्स टू एक से लेकर एन तक आपके पास में के क्यू आई आई और जे, ठीक है, और जे हो गया था आपके पास में आई जे अपॉन आर स्क्वायर, ये चीजें आपने पढ़ ली थी लास्ट के अंदर। तो अब अगर आपके पास में ये सारे क्वेश्चन हो गए, अब मैंने कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए थे। तो जब आपके पास में कोई क्यूब है, उस क्यूब के ऊपर आपके पास जैसे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ऊपर समान प्रकृति के आवेश स्थित हैं, तो इसके केंद्र पर क्या आवेश होगा, ये केंद्र पर कोई आवेश स्थित है, तो इन तीनों आवेश के कारण इसके ऊपर लगने वाले बल का मान क्या होगा, परिणामी बल, बल का मान क्या है, जीरो, जो अपने निकाला था। डेरिवेशन कंप्लीट इसका पीछे के लास्ट वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप शो करके बता रखा है। वैसे आपके पास में कोई स्क्वायर आ जाए, अगर यहाँ पर समान प्रकृति के आवेश स्थित हैं और इसके केंद्र के ऊपर परिणामी बल पूछ ले, केंद्र पर स्थित आवेश के ऊपर इन चारों आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल का मान बताइए, तो भी आपके पास मान जीरो आया था, याद रखें। और इसको कैसे आया सोल्व करके पीछे के डेरिवेशन जो वीडियो डाले थे मैंने, उन वीडियो के अंदर अच्छे से समझा रखा है। अब आप यहाँ पर तो समान है, किसी भी प्रकार के कोई आवेश आ जाए, इन दो आवेश तीनों आवेशों के कारण केंद्र पर पूछा, ये केंद्र पर न पहुंच के यहाँ कोने पर भी पूछ सकता है इन दोनों के कारण। तो ये सारे के सारे अब आप प्रैक्टिस करें और इनको अच्छे से सोल्व करें, ठीक है। चलो अब मैं आज नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलता हूँ। अब आपका जो टॉपिक है वो आता है विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र मैंने आपको आवेशों की प्रॉपर्टी के अंदर बताया था कि आवेश है वो आपके पास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। और स्थिर वैद्युतिकी के अंदर ये आपके एक शाखा है, ब्रांच है, यूनिट है, इस यूनिट के अंदर चार चैप्टर पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंदर अपन आवेश को क्या मान रहे थे, स्थिर, क्या मान रहे थे, स्थिर। और स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो एक से चार तक चैप्टरों में कंटिन्यू अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो अब विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और कैसे किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं आएगी। चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, जब आवेश गतिशील हो, क्या हो, आवेश गतिशील हो, ठीक है। तो चलिए देखो विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वे क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वे क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर
वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का महसूस करता है। ठीक है, देखो कोई भी हो उसका अपना क्षेत्र होता है। अपन अपने गली में रहते हैं तो अपनी गली अपना क्षेत्र है। अपने गली के अंदर कोई अपना दुश्मन आ जाए और अगर वो दुश्मन आ जाए तो अपन उसका विरोध करते हैं, करते या नहीं करते, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में आ गया। एक डायलॉग भी सुनते हो, अपने गली में कुत्ता शेर होता है। तो जैसे आपके गली के अंदर कोई दूसरा आ जाए, सेम जो भी आपका विरोधी है, तो आप उसका अपोज करते हो, विरोध करते हो। इसी प्रकार से कोई आवेश है, उस आवेश का आसपास का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आता है, तो जिस आवेश का क्षेत्र है वो उसका विरोध करता है, तो वो उसके ऊपर दो प्रकार के बल लगा सकता है, या तो आकर्षण लगाएगा या प्रतिकर्षण लगाएगा। सपोज देख ये यहाँ पर प्लस आवेश है, तो इसके जो क्षेत्र है ये चारों ओर का, इस क्षेत्र के अंदर कोई प्लस आवेश ही कोई दूसरा आता है तो ये यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, अगर कोई यहाँ से नेगेटिव आवेश आता है तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। तो यहाँ पर किसी आवेश के चारों ओर का वे क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस करे, वह आपके क्या कहलाएगा, उस आवेश का क्षेत्र। यदि आप यहाँ पर किसी आवेश को लेके आ रहे हो और इसके क्षेत्र में लेके आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर इस आवेश के ऊपर कोई बल लग ही नहीं रहा है, बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई क्षेत्र नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको और बड़े आपको बता दूं कि आपके पास तीन रूम है। कितने रूम है, तीन। सपोज दे ये एक रूम है जिसको अपन ने ए डिनोट कर दिया, ये एक रूम है जिसको अपन ने बी डिनोट कर दिया, ये एक रूम है जिसको अपन ने सी नाम है, सी। ये तीन कंडीशन में है। एक आवेश है, इस आवेश को धागे की सहायता से आपने लटका दिया, एक आवेश को यहां पर धागे की सहायता से आपने लटका दिया। ठीक है, एक आवेश को यहां धागे की सहायता से, जब यहां पर लटकाया तो ये स्टेट था, यहां पर लटकाया तो ऐसे था, लेकिन ये आवेश ऐसे आ गया। कौन बना लिए यहां पर, यहां पर भी आपने क्या किया था कि इसको लटकाया तो ऐसा था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये यहां आ गया, ये कोण का मान बढ़ गया, यहां 45 था तो यहां 65 हो गया। तो इस बात को समझे मैं क्या कहना चाहता हूं, ये रूम है, एक कमरा है, ये भी एक रूम है, ये भी एक रूम है। इस रूम में जब आवेश को लेके गए और उसको स्वतंत्र आधार के साथ लटकाया, तो लटकाने पर इसकी पोजीशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया, जैसे लटकाया वैसे ही है। लेकिन जब इस रूम में लेके गए उसी आवेश को और लेके जाने के पश्चात उसको आपने वहां पर लटकाया, तो लटकाने पर वह अपने अभिलंब से कुछ कोण के ऊपर विस्थापित हो गया और ऐसे तीर्चा जाके वहां पर रुका। तीसरे रूम में लेके गए और इसको लटकाया, लटकाने पर इसमें अपनी अभिलंब से बहुत ज्यादा दूरी पर विस्थापन पर ये क्या हो गया, जाके रुका। इन तीन कंडीशन से क्या समझा, ये समझा कि जब इस आवेश को यहां लेके आए तो यहां पर पहले से कोई आवेश नहीं था, पहले से कोई आवेश नहीं था तो उसके कारण वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, E=0, तो यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इस आवेश का कोई अपोज ही नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, जहां लटकाना था वहां लटका दिया। लेकिन आप दूसरे रूम में गए, रूम बी में, और रूम बी के अंदर आपने इस आवेश को लेके गए क्यू को, तो क्यू आवेश आपने यहां लटकाया लेकिन वो यहां आके लटका, क्योंकि
इसके अंदर पहले से कोई आवेश है और वह आवेश का क्षेत्र है और वह क्षेत्र इस आवेश का विरोध कर रहा है, तो विरोध कर रहा है तो ये बाहर तो जा नहीं सकता, धागे से बंधा हुआ है। तो ये क्या करता है, यहां पर अगर वो आवेश है तो उसके चारों ओर का क्षेत्र है, क्षेत्र तो ये क्या होता है, वहां से उसके विरोध के कारण, प्रतिकर्षण के कारण ये यहां पर आकर रुक जाता है। अब तीसरे रूम में गए, तीसरे रूम के अंदर जो आपके पास में विद्युत क्षेत्र है, आवेश है, भाई क्षेत्र तो इसमें ही था, लेकिन इसके अंदर 5 कूलम का आवेश था जो रखा हुआ था आपके पास Q0। तो 5 कूलम के आवेश के कारण आपके पास में इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लग गया, तो 45 डिग्री का कोण बना, इतना दूरी हुआ। लेकिन अब इस रूम के अंदर आपके पास में 10 कूलम का आवेश है, ये पता कैसे लगा, इस 5 से तो ज्यादा ही है, क्योंकि इस आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा लगा है, तभी तो इसे बहुत ज्यादा दूर चला गया, इन दोनों के बीच कोण 65 डिग्री का हो गया। कोण कितने का हो गया, 65 डिग्री का। इसका मतलब यह है कि इस कमरे में जो आवेश है रखा हुआ, उस आवेश का मान आपके कमरे बी के अंदर जो आवेश रखा हुआ था उसके मान से ज्यादा है, उसके मान से ज्यादा है तो लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक बात आपने क्या समझी, आपने बात यह समझी कि इसके अंदर जो आवेश रखा हुआ है वो आवेश को Q0 मान लेते हैं, इसमें 0 रखा हुआ था, इसमें Q0 5 कूलम रखा हुआ था और इसमें Q0 10 कूलम रखा हुआ था। जो आवेश लेके जा रहे हैं आपके पास में वो क्यू है, क्या हो गया, क्यू। अब इस क्यू आवेश के ऊपर आपके पास में बल लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो आपके पास किसी को एक मान सकते हो, इसको क्यू मान लो, इसको Q0 मान लो, इसको Q0 मान लो, इसको क्यू मान लो, इसको ये Q0 है। अब ये जो इसके ऊपर लगने वाला बल है वो इस Q0 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझे आप, कि जितना ज्यादा Q0 का मान होगा विद्युत क्षेत्र वहां पर उतना ही प्रबल होगा, तो प्रबल होगा तो इसके ऊपर ज्यादा बल लगाएगा, यहां पर इससे थोड़ा सा कम है तो थोड़ा कम बल लगाएगा, इससे थोड़ा सा कम है तो थोड़ा ज्यादा लगाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कह सकते हो कि यहां पर जो F है वो समानुपाती है Q0 के, कि इस आवेश के ऊपर जो लगने वाला बल F है ये इस Q0 पर डिपेंड करता है, Q0 का मान ज्यादा होगा तो इसके ऊपर लगने वाला बल का मान ज्यादा होगा। यस यार, क्लियर है बात, देखो ये पहले से था अंदर, ये आवेश लेके आए थे तो इस Q0 पहले से अंदर था, Q0 इसका क्षेत्र प्रबल है तो यहां पर लगने वाला जो आवेश लेके जाएंगे उसके ऊपर बल ज्यादा लगेगा, अगर ये दुर्बल है तो लगने वाला बल कम लगेगा, तो समानुपाती हो गया, Q0 बढ़ेगा तो F का मान बढ़ेगा, Q0 घटेगा तो F का मान, ठीक। अब अगर आपके पास, मैं कहूं कि यहां से आपके पास इसको आप ये कह सकते हो कि Q0 समानुपाती है, ठीक है, आपके पास Q0 के अपार, के को आप क्या लिख सकते हो, 1, ठीक। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना कि Q0 पर लगने वाला बल F है, जो आपका ये Q0 है इसके कारण ही यहां पर बल लग रहा है। तो अगर आप ये कह दो कि एकांक धनावेश पे लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, तो F/Q0। मेरी बात को ध्यान से समझे, ये रिलेशन आपके पास आ गया था, अगर Q0 पर F बल लगता है तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, यदि Q0 पर बल F लगता है तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो Q0 को नीचे भेज दो। तो यहां पर मैं देखो, अब आपके स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा, यहां लिख देता हूं, Q0 पर यदि आपके बल F लग रहा है
तो एकांग आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ अपॉन नॉट। और एकांग आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। ठीक है, आई मेरी बात सुन। एकांग आवेश पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। अब आपके पास में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, इसको नोट कर लीजिए। मैं नोट कर देता हूं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का महसूस करता है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र हो गया किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। धनावेश का क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर आई जाती है, ऋणावेश की अंदर की ओर। आगे वाले टॉपिक में बताएंगे ये क्षेत्र रेखाएं भी क्या होती है, ठीक है जी। ये विद्युत क्षेत्र अगला टॉपिक देगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप इसको नोट करें और मैं अगली हेडिंग लगाता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।